परमाणु वैद्युत उदासीन होता है क्योंकि उसके नाभिक में उपस्थित धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या कक्षों में उपस्थित ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर परमाणु ऋण आवेशित आयन ऋणायन तथा त्याग करने पर धन आवेशित आयन धनायन बनाते हैं। आयन पर पाया जाने वाला आवेश ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। आइए अब क्लोरीन परमाणु पर विचार करें। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण या 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। यदि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उसके के कक्ष में 2, एल कक्ष में 8 व एम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तथा वह क्लोराइड आयन Cl- बनाएगा। यदि वह 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तब उसके के कक्ष में 2, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वह Cl7+ आयन बनाएगा। सोडियम नाभिक 7 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने में सक्षम नहीं होता। उसी प्रकार क्लोरीन के लिए भी Cl7+ की स्थिति प्राप्त करना कठिन है। इसका अर्थ है सोडियम परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना तथा क्लोरीन परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना सरल है। अतः सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन तथा क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cl- आयन बनाता है। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होकर स्थिर वैद्युत बल में बंध कर सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण करते हैं। आइए सोडियम क्लोराइड में बनने वाले आयनिक बंध को समझें। सोडियम परमाणु के संयोजी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन परमाणु के संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से टकराते हैं तब सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आवेशित आयन का निर्माण करता है। इस प्रकार वह अपना अष्टक पूर्ण कर स्थायी संरचना प्राप्त करता है। इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण करता है तथा अपना अष्टक पूर्ण करता है। अब क्लोरीन परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। विपरीत आवेशित आयनों के बीच के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण सोडियम क्लोराइड अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार बना बंध वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहलाता है। जिन यौगिकों का निर्माण इस प्रकार के आबंधन से होता है उन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान देने योग्य की बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यह विपरीत आवेशित आयनों का समुच्चय होता है। यहाँ बंध एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन के मध्य ही नहीं बनता बल्कि एक त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण होता है जिसमें प्रत्येक धन आवेशित सोडियम आयन ऋण आवेशित क्लोराइड आयन से घिरा होता है। ठीक वैसे ही ऋण आवेशित क्लोराइड आयन धन आवेशित सोडियम आयन से घिरा रहता है। क्रिस्टल में सोडियम आयन की संख्या क्लोराइड आयन की संख्या के बराबर होती है। सोडियम क्लोराइड की त्रिविमीय संरचना का चित्र। अमेरिकी रसायनज्ञ गिल्बर्ट न्यूटन लुइस ने परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुइस प्रतीक का उपयोग किया। इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए उस तत्व के प्रतीक के चारों ओर उतने ही बिंदु लगाए जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित रहते हैं। आइए अब हम कुछ और यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है। मैग्नीशियम एवं क्लोरीन के मध्य भी आयनिक बंध का निर्माण होता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और यह भी सोचिए कि वह कैसे अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करेगा।